अगर जमीन के साथ सटा हुआ है, अगर जमीन के साथ सटा हुआ है ऑब्जेक्ट आपका, जो कि क्यूब या जो कुछ भी है, तो उसका क्या होगा, शेडो वहीं से स्टार्ट होगी और वो बहुत ही शार्प शेडो बनेगी उसके पास। लेकिन दूर जैसे जैसे वो भी जाएगा तो वो भी थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, इस जगह पर हो रहा है, यहाँ पे ब्लर हो रहा है, धुंधला हो रहा है, शेडिंग है ना, परछाई उसकी हो रही है। और जो शेडो होती है, अच्छा खाली शेडो, खाली ब्लैक कलर की नहीं होती, जैसे मैंने आपको दिन बताया था, उस पे क्या होता है, आसपास के कलर का इफेक्ट आता है। एक तो जो ग्राउंड का कलर है, ठीक है, जिस सरफेस पे रखा है हम वो कलर लेंगे थोड़ा, ठीक है। अगर व्हाइट कलर है तो व्हाइट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि व्हाइट तो पेपर ऑलरेडी है। अगर कोई दूसरे कलर का टेबल होता, ब्लू कलर का टेबल होता, तो हम शेडो में ब्लू कलर ऐड करते। फर्स्ट थिंग हम ब्लू कलर ऐड करते, सेकंड थिंग उसका रिफ्लेक्शन, जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर ब्लू कलर का सरफेस है और रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, तो हम थोड़ा सा पार्ट रेड का भी लेंगे। अब यहाँ पे इधर शेडो वाले हिस्से में येलो वाला पार्ट आ रहा है, तो हम थोड़ा सा शेडो में येलो कलर ऐड करेंगे, है ना, थोड़ा ठीक से है, हम जो शेडो वाला पार्ट लेंगे उसमें येलो ऐड करेंगे। अच्छा इधर ऑब्जेक्ट में क्या है, यहाँ पे रेड कलर है, तो हम शेडो में थोड़ा सा रेड वाला पार्ट ऐड करेंगे। तो अगर आप शेडो को दोनों को पास से देखेंगे ना, तो दोनों शेडो में इसमें येलो इफेक्ट दिखेगा और इसमें हल्का सा रेडिश इफेक्ट दिखेगा। इस तरीके से करना है हमको। तो अब यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे शेडो कैसी है, यहाँ पे ब्लर है, तो यहाँ पे यानी कि हमें पानी मिला करके यूज करना है अच्छे ढंग से, तभी ये फैलेगा। और यहाँ पे तो शार्प है, तो यहाँ पे कम पानी में भी चल जाएगा काम। जहाँ पे भी फैलता हुआ कलर या मिक्स होता हुआ दिखे ग्रेडियंट, यानी कि वहां पे पानी हमें यूज करना है। चलिए ये जो एप्पल मैंने किया है येलो कलर, उसमें हल्का सा ग्रीन मिक्स करना था ना। हाँ, उसमें पूरे में नहीं करना था, जहां पे उसका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, जहां पे और ओके हल्का सा जिस जिस एरिया में येलो कलर बन रहा है, उसी एरिया में हल्का सा ऊपर लग, ऊपर और हल्का सा नीचे लगाना, अगल बगल इसी जगह, पूरे अच्छा में नहीं लगेगा। जहां पे शेडो दिखेगी नीचे के पार्ट में, वहां पे लगा सकते थे, और यहाँ बीच में लगा, डार्कनेस हो रही अंदर का पार्ट, वैसे भी इसका कच्चा होता है थोड़ा सा अंदर की तरफ, क्योंकि जहां से अध पका होता है वहां पे हल्का तो ग्रीनिश आता ही है। तो ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, एक तो पहले हम इसकी पहले ये बना लेते हैं स्टिक, हाँ और दूसरा हम जो है शेडो, पहले हम शेडो करते हैं, स्टिक को हम बाद में कर सकते हैं। तो अब हमें शेडो कहाँ कहाँ लगानी है, शेडो यहाँ हल्का सा, जैसे मैंने बताया था हल्का सा मैं टिंट उसमें ऐड कर दूंगा, तो मुझे पता रहेगा मैं कहाँ कहाँ पे मैंने पानी लगाया। एक तो यहाँ लगा आप और सिर्फ पानी लगा रहे हैं वहां, जी, हाँ आप सिर्फ वाटर ही लगा रहे हैं। सिर्फ वाटर लगा रहा हूँ मैं, हल्का सा टिंट है मेरे उसमें पानी में, क्योंकि अगर मैं खाली सिंगल प्लेन वाटर लगाऊंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा मैंने कहाँ कहाँ लगाया, तो इसलिए मैं हल्का सा, अगर ब्रश में कोई कलर आ जाता है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा है ना, तो हम बहुत हल्का सा एक उसमें मेरे ब्रश में जो कलर थोड़ा बहुत जो भी रहता है, तो हल्का सा पानी ऐड होने से वो उसमें आता है। ठीक है, तो मैंने यहां तक तो मैंने पानी लगा रहा हूँ। अब जैसे जैसे दूर जाएगा पानी आपका साफ होना चाहिए, क्योंकि आगे की तरफ क्या है गायब हो रहा है, तो पानी भी साफ होना चाहिए आगे, ताकि वो गायब हो सके वहां पे जाकर। ठीक है, इस तरीके थोड़ा सा पानी,
इधर की तरफ तो शेडो है ही नहीं, ना के बराबर है लगभग, तो उधर आगे ज्यादा पानी लेने जाऊंगा नहीं। अच्छा, अब शेडो वगैरह बनाने के लिए आप सबसे अच्छा है आप इसमें, क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो हल्का सा ब्लू है, जिस सरफेस पे वो रखा है वो ब्लू कलर का है, स्काई ब्लू कलर का, तो मैं हल्का सा शेडो के लिए ब्लू कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो थोड़ा सा प्रशियन ब्लू। आप देख रहे हैं कलर किस तरीके से यहाँ पे कितना पतला है ना? तो आपका कलर ओके बहुत थिक ओके नहीं होना चाहिए, कलर बहुत थिक होगा तो भी वो सूख जाएगा जल्दी, ठीक है? तो ये पतला आपका कलर ऐसे इस तरीके से हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम बर्न सियाना जो है ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है? अब हम इसको, ओके देखिए ये किस तरीके से फैल गया पीछे, ठीक है? जब आपको लगे कि अब ज्यादा है, इसके आगे नहीं ले जाना है, या यहाँ पे ऐसा लग रहा है बाउंड्री सी बन रही है, तो वहां पे इसको आप मगर आपका ब्लू में कुछ मिक्स किया हुआ है। हाँ बर्न सियाना बताया ना मैंने, पर्शियन ब्लू में थोड़ा सा बर्न सियाना मिक्स कर लेंगे, या रॉ अम्बर भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हल्का कलर, कलर देख रहे हैं पतला लगा है, इसको भी अगर हम जैसे और डार्क करना होगा तो हम कलर को गाढ़ा करते जाएंगे कल, तो कलर डार्क होता जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ ठीक नीचे वाली जगह जहां पे है, यहाँ पे कलर बहुत शेडो बहुत डार्क है, दूर की तरफ पे शेडो हल्की है, तो हम बीच में थोड़ा सा कलर यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा यूज करेंगे, तो हम थोड़ा थिक पर्शियन ब्लू, थोड़ा सा थिक बर्न सियाना लेकर के ये डार्क हो जाएगा। अब हम यहाँ पे नीचे यहाँ पे लगा, देखिए इस जगह पे कैसा हो गया, डार्क हो गया बिल्कुल यहाँ, है ना? यहाँ पे इस जगह पे डार्क हो गया देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे गाढ़ा कलर लगाया। जहां डार्क दिखे खाली उतनी ही जगह पे डार्क लगाएं, क्योंकि गीले में उतनी जगह पे, बाकी जगह पे क्या होगा वो हल्का हो जाएगा। यहाँ पे लाइन दिख रही है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर लगाया। जगह से ऊपर और जगह से नीचे का कलर है वो लाइट। ठीक है,
ये यहाँ पे शेडो लग गया, इधर पीछे की तरफ ये हो गया। अब जहां में लगेगा कि ये थोड़ा खराब आ रहा है या, तो वहां पे हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट साफ पानी से उसको वाइप कर देंगे, तो उतनी जगह का क्या होगा, वो इफेक्ट चला जाएगा जो अनटैडी सा आ रहा होगा। ठीक है, इतना करके हमने यहाँ पे छोड़ दिया। अब सेम प्रोसेस, तरीका सारा वही है। अब हम इधर कलर करेंगे। मैंने भी लाइन जो है थोड़ी सी ऊपर ड्रॉ कर, ये थोड़ी नीचे ड्रॉ होनी थी। मतलब अगर फोटो में देखें तो लाइन यहाँ से जा रही है, मैंने गलती से इसको ऊपर ड्रॉ कर दिया, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस मतलब तरफ। जहां लाइन जा रही है वहां से। हाँ एक्चुअली मेरी लाइन थोड़ी सी वो ऊपर की तरफ ड्रॉ है, जबकि फोटो में थोड़ी ये नीचे है, इस जगह से जा रही है इन दोनों के, तो पीछे का भी एरिया जगह दिख रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारी लाइन अगर छिप गई तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम आगे करते हैं इसको। यहाँ पे फिर से वही, थोड़ा सा पानी तो लगाया था हमने, सूख गया, थोड़ा सा एक बार फिर से लगा देंगे कलर लगाने से पहले। जब भी आपको लगे कलर लगाने से पहले कि मैंने पानी लगाया था सूख गया है, तो फिर से एक बार कलर, दूसरे ब्रश, ब्रश तो आपके पास और भी होंगे ना, तो एक दूसरे ब्रश से वहां पे हल्का सा पानी लगा। अगर आपके लगता है ब्रश में तो कलर लग गया, मैं इसको धोऊंगी तो फिर कलर वेस्ट होगा, या तो आप दूसरे ब्रश से यहाँ पे पानी लगा दीजिए, फिर वापस उस पर कलरिंग पे आ जाइए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने जो कलर बनाया है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे जो इसका येलो कलर का रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसके लिए क्या करूँगा मैं, इसमें थोड़ा सा येलो कलर ऐड। देखिए यहाँ पैलेट में क्या होगा, मेरे ब्रश में येलो कलर है, तो ये डार्क कलर के साथ मिक्स होकर कैसा बनता है। ओके, येलो और पर्शियन ब्लू और बर्न सियाना लगाएंगे आप उसमें। पर्शियन ब्लू बर्न सियाना ही रहेगा शेडो के लिए, उसके अलावा उसमें हम येलो ऐड कर दे रहे हैं। ठीक और एक तो है, तो इस तरीके से ऐसे कलर बन गए। अब इसको यहाँ पे हम नहीं, लगा उसमें दें। तीन कलर्स मिक्स किया ना आपने। हैं कहाँ पे, हाँ ये एप्पल के पास लगाने के लिए तीन कलर्स मिक्स किया। हाँ जो हमने पहले पहले जो हम लगा के कर रहे थे ना, बर्न सियाना पर्शियन ब्लू, उसके अलावा मैंने हाँ उसमें खाली लेमन लेमन येलो ऐड किया है, उसका येलो का इफेक्ट देने के लिए नीचे शेडो में। ठीक ठीक है। है, थोड़ा सा मैंने वो कलर यहाँ पे ऐड किया। जहां आपको लगे वाइप करना है या कुछ करना है, कलर हटाना है, तो आप नैपकिन का भी यूज कर सकते हैं, उसमें काफी अच्छे तरीके से आप टिश्यू लगा सकते हैं। पेपर तरीके से नैपकिन आपके पास होगा या अगर पेपर, तो ऐसे लेके जहां से, मान लीजिए आपको यहाँ से पानी को हटाना है, कलर को हटाना है, आपने यहाँ रखा है ठीक है ऐसे, ठीक यहाँ पे ऐसे रख के प्रेस कर दिया इसको, ये आपने हटाया तो ये है हट ठीक गया। ठीक है, ठीक इस है तरीके से ना हल्का सा पानी लगाया, पानी होगा तभी हटेगा, पानी नहीं होगा तो नहीं हटेगा।
आपको लगता है और हटाना है, अभी कम है तो यहाँ थोड़ा और पानी लगा दीजिए ताकि जो कलर हो वहाँ थोड़ा और गीला हो, इस तरीके से तो ये और हट जाए। ठीक है, इधर तो हम ये कलर लगा देते हैं, यहाँ जैसे शेडो में हल्का सा रेड कलर का टिंट था तो मैं हल्का सा यहाँ पे पॉइंट से ना इसी के साथ हल्का सा, या फिर आप यहाँ पे मेजेंटा कलर से भी लगा सकते हैं, हल्का सा ना अंदर की तरफ जो शेडो है। अच्छा शेडो कैसी है, ब्लर है वहाँ पे? पहले कलर लगाया शार्प था, ब्रश को धोया पोछा और हल्का सा कलर यहाँ से ऐसे करके हटा दिया, तो ये देखिए हल्का सा ब्लर वाला इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जहां कहीं लगे कि आपको ब्लर करना है बस ब्रश को गीला करिए, वहां पे गीला करके ब्रश को हल्का सा वाइप कर दीजिए लेफ्ट राइट या अप डाउन डायरेक्शन में, वो क्या होगा वहां से वो ब्लर हो और उसको शेडो वाले पार्ट को आगे क्लियर हो। शैडो का भी जो इनर पार्ट होगा जैसे अब जैसे, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा टेक्सचर वाला है तो टेक्सचर पेपर में क्या होता है कलर की जो लाइंस होती हैं वो एग्जैक्ट वैसी नहीं आती, हल्का सा जो होता है लाइंस, अगर गीला गीला कलर है तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती है ये किनारों, हल्का सा ग्रेन सा आएगा, लेकिन अगर आपका पेपर स्मूथ है तो लाइन्स भी बिल्कुल स्मूथ आएंगी। पीछे हल्का सा कलर है, बहुत हल्का सा, पानी लेकर के तो यहां से ला के ऐसे पर ठीक है। क्योंकि शेडो ज्यादा आगे की तरफ हम ला भी नहीं सकते हैं शेडो को, क्योंकि लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, तो जिस डायरेक्शन से लाइट आती है उधर शेडो तो ज्यादा होती नहीं, हम यहाँ पे हल्का सा इसको पीछे कर देते हैं, इसको पोंछ देते हैं ऊपर। ठीक है, ठीक
ठीक है, और बहुत ज्यादा रियलिस्टिक करने की कोशिश में मत रहिएगा कि भाई बहुत ज्यादा रियलिस्टिक ही होना चाहिए। वैसे तो भी खैर वाटर कलर में आप बिगिनर हैं तो अभी वैसा नहीं आएगा, रियलिस्टिक भी वैसा नहीं आएगा, लेकिन जो वाटर कलर की जो वैसे ब्यूटी होती है वो यही होती है कि हमेशा बिल्कुल रियलिस्टिक काम नहीं किया जाता वाटर कलर से। हो सकता है वो सब कुछ जाता है लेकिन किया नहीं जाता, क्योंकि उससे क्या होता है वाटर कलर का एक जो अलग जो फ्लो है, हर देखिए हर मटेरियल का एक अलग फ्लो होता है ना। अगर मैं सारी पेंटिंग बिल्कुल सेम टू सेम रियलिस्टिक कर दूंगा तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी पेंटिंग कौन से मीडियम में बनी है, तो हर मीडियम का एक अलग फील होता है, तो उसका वो वैसा फील भी आना चाहिए। अब जैसे इसकी ब्राउन कलर के ऊपर है, ठीक है, बगल पूरा डार्क किनारों की तरफ से कलर लगाऊंगा ताकि वो अंदर की तरफ वो हो जाए, अंदर की तरफ वो डार्क फैल जाएगा, किनारे ये कौन ज्यादा सा डार्क। कलर आप? ये बर्न सी है ना, अच्छा तो बर्न सी है ना, है ना, स्टिक में तो डायरेक्ट ये लगा दिया मैंने, बर्न सी है ना, और तो कोई इसमें कलर ऐसा लगेगा नहीं। जहाँ पे कहीं कुछ डार्क लगे तो हल्का सा इसमें आप तो पर्शियन ब्लू ऐड कर सकते हैं, बस कुछ थोड़ा हद तक डार्क करने के लिए। यहाँ पे किनारों पे जैसे डार्कनेस है, यहाँ किनारों पे हमने डार्क किए। अब देख रहे हैं यहाँ पे काम कैसे हो रहा है, यहाँ पे काम टिप से हो रहा है बिल्कुल, इसकी पॉइंटेड पॉइंटेड पोर्शन से काम है। बट जब मैं ड्रॉ कलर करने बैठ जाती हूँ तो भूल जाती हूँ, क्या करूँ मैं इसको? हैं भूल जाते हैं हाँ मतलब तो आप, अभी येलो किया एप्पल में, येलो हाँ में हल्का ग्रीन मिक्स करना मैं भूल गई। अच्छा, तो आप एक काम किया करिए, पहले तो देख लिया ये करिए दोनों कलर। सुनिए नहीं मेरी बात, कलर लगाने से पहले मैंने आपको बताया था ना उस दिन की जजमेंट करना जरूरी है, उसका थोड़ा जज करिए फोटो को कि इसमें कौन कौन से कलर है, पहले कलर ढूंढिए कौन कौन से दिख रहे हैं, जो जो कलर दिख रहे हैं वो कलर आप पहले से रेडी रखिए अपने पास, ठीक है। ठीक है, ठीक इसका तरीका यही होता है कि पहले से आप कलर को रेडी रखिए, जो बहुत प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं है ना, जिनको जिनको करने हाँ आगे एक्सपीरियंस है तो उनको तो पता है, वो तो कर लेंगे, लेकिन जो एज अ बिगनर आप कर रहे हैं तो आप इसका ध्यान रखिए कि आप पहले से कलर को अरेंज रखिए अपने पास, ठीक है। हाँ वो देखिए जो आर्टिस्ट काम करता है ना वो मटेरियल भी थोड़ा अलग यूज करता है, आर्टिस्ट का मटेरियल अलग होता है। जैसे आप पेपर, पेपर की बात हो गई तो पेपर ऐसा है, ये पेपर टाइम देगा आपको, जो मेरे पास जो पेपर है अच्छा ये वॉट्समैन पेपर है या फैबियाना कोई भी है, तो ये आपको टाइम देता है थोड़ा सा कि आप जो है कलर पानी को बहुत देर से एब्जॉर्ब करता है ये पेपर, ठीक है। आपका ओके पेपर ओके, पानी समझ को जल्दी एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब आपके पास टाइम कम है, आप पहले से कलर को तैयार रखिए और जैसे ही आप पानी लगाइए बस वैसे आपने देखा हुआ है कि कहाँ पे कौन सा कलर था, और जैसी उसकी क्वांटिटी हो जरूरत के हिसाब से उतना ही कलर उसमें लगाए, कम या ज्यादा वो जरूरत के हिसाब से उसमें लगाए। बट आप कह रहे थे कि दो कलर अलग अलग दिख रहा है, उसको एक में करना है तो मतलब इट शुड बी गीला होना चाहिए उसको, पेपर हाँ को। सरफेस को गीला होना चाहिए, वो दोनों उसमें होगा ओके ये कि वो दोनों मिक्स होते हुए भी दिखेंगे और दोनों अलग अलग भी दिखेंगे। ओके, अब मेरा ना ड्राइंग बुक में वेट कर रही हूँ, अभी आ जाएगा, अमेजोन में तो दिख रहा है, तो आज हाँ और कल में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करिए ना, आप रफ पेपर पे तो प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए ये तो आपने जैसे ड्राइंग वाला पार्ट है, ये तो खाली ड्राइंग है, कलर कर रहे हैं ड्राइंग में फिल करके, इसके अलावा कलर से खेलिए, खेलना ज्यादा जरूरी है। ठीक है ठीक है हाँ ठीक कलर से खेलिए, बैठे हैं पानी लगाया ब्रश लिया, ठीक है, ब्रश लेकर के बड़े ब्रश से ऐसा बड़ा ब्रश ले लीजिए कोई, थोड़ा सा इससे बड़ा हो, डिटेलिंग नहीं, थोड़ा सा बड़ा ब्रश, दो ब्रश रखिए अपने है ठीक पास काम करने के लिए, मतलब है ठीक खेलने के लिए,
तो आपने क्या किया, जैसे एक बड़ा ब्रश आपने रख लिया अपने पास, तो बड़े ब्रश में क्या होगा ना, उससे आपको पानी की डिटेलिंग ज्यादा दिखेगी। बड़ा ब्रश लिया, पानी में भिगो के पानी लगाया, फिर दूसरे ब्रश से उसमें कलर को छुआ के देखिए, कलर लगे हुए ब्रश से ऐसे लगाइए उसमें, ठीक है, फिर देखिए पानी वो कलर कैसे फैल रहा है, ठीक है, उसमें जब कलर लगाएंगे तो कलर कैसे फैल रहा है, खड़े ब्रश को ऐसे खड़ा करके पॉइंट करके लगा रहे हैं तो कैसे फैल रहा है, लिटा के ब्रश को लगा रहे हैं तो कैसे कलर फैल रहा है ना, और बिना पानी के जब हम कलर ब्रश लगा रहे हैं तो कैसा जा रहा है, कैसा लग रहा है ब्रश, ठीक है, दो कलर कैसे वो मिक्स हो बिना वाटर का ब्रश जाती है, वो दिक्कत होती है। जी, क्या होती है, वाटर का मैं ब्रश लगाती हूँ ना, तो वो तो थिक लग रहा है, इसमें रेड में मैंने ऐसे ही किया लग रहा है, रेड कलर में, जो अच्छा रेड मैंने जहां जहां अप्लाई किया वहां पानी कम है उसमें। तो इस चीज का बस ध्यान रखना होता है कि जहां आपको पता है कि यहाँ पे तो ये मिक्स होना है, यानी कि यहाँ पे गीला चाहिए ही चाहिए, ठीक है, सही है, तो सही है। हाँ वहां पे तो आपको गीला रख के बस तुरंत सबसे, और ये सीक्वेंस याद रखिए कलर का, कलर लगाने का, आपको पता है कि ये कलर लगने हैं, तो कलर का सीक्वेंस याद रखिए कि लाइट इनमें से लाइट कौन सा है, अगर आप चार कलर लगा रहे हैं, येलो है, रेड है, ग्रीन है उसमें, तो आप कलर का सीक्वेंस याद रखिए कि कौन सा कलर लाइट है कौन सा डार्क है, येलो लाइट दिखेगा, ठीक है, येलो कितना भी डार्क होगा तो वो थोड़ा सा उससे ग्रीन और दूसरे कलर से लाइट ही दिखेगा, तो आपको पता है लाइट कलर है तो पहले लाइट लगाना है, उसके बाद धीरे से आपको उससे जो भी कलर आपको दोनों में से जो भी डार्क दिखे, हो सकता है कि रेड रेड वहां पे डार्क ना हो, रेड फेड कलर में हो, थोड़ा हल्के कलर में हो, तो वहां पे रेड को आप राइट हल्का लगाएंगे, जहां पे ग्रीन राइट अगर लाइट नहीं डार्क ज्यादा दिख रहा है तो उसको आप बाद में लगाएंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस वगैरह बिगनिंग में याद रखना पड़ता है, जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर तो आर्टिस्ट कैसे भी काम करता है, ठीक है, तो बिगनिंग में ये सारी ठीक चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमने ओके। इसकी वाटर कलर करना तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप कोई, आप रोटी बना रहे हो जैसे, बिल्कुल इधर नजर हटी उधर उधर रोटी जल जाएगी, जल जाएंगे। ऐसा है वाटर कलर में। डिटेलिंग के चक्कर में कम रहा करिए, डिटेलिंग आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले सारा फ्लो फ्लो वाला काम होता है, जैसे छोटी छोटी डिटेलिंग, आप देखिए छोटी जगहों में करना है कलर, तो उतनी चीज के लिए आपने या तो पहले से जगह छोड़ दी, अगर डार्क है तो आप बाद में डार्क कलर, तो कितना भी डार्क कर सकते हैं, लाइट नहीं कर पाएंगे लेकिन, तो जब भी कभी लाइट दिखे तो लाइट के लिए तो जगह छोड़ दी जाती है, और डार्क के लिए तो बाद में डार्क को एंड में कंप्लीट कर लिया जाता है, उससे डार्क कलर एंड में हो जाता है। जैसे थोड़ा और पतला ब्रश ले लेते हैं, जहां पे और डार्क दिख रहा था वहां पे एंड में, क्योंकि एक बार में भी डार्क एक बार में नहीं होता, उसको कभी 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 क्या होता है बाद में लगाना पड़ता है, मुझे मालूम है कि अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा डार्क उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो आगे जाते जाते क्या होगा हल्का हो जाएगा, तो बिगनिंग में मैंने जितना डार्क हो सकता था उतना लगाया, उसके बाद का जो डार्क है मैंने डिटेलिंग की फॉर्म में उसको बाद में कर।
अब देखिए वो आगे डार्क है, पीछे जाते जाते यहाँ पे लाइट हो रहा है, यहाँ पे फिर से डार्क हो रहा है पीछे जगह। ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ जगहों पे जैसे ओवरऑल जब हम फोटो से कंपेयर करेंगे तो कुछ जगहों पे हमको कमी दिखेगी, हमें लगेगा यहाँ पे तो और डार्क होना चाहिए था, तो हम कुछ जगहों पे हम जरूरत के हिसाब से और डार्क कर देंगे। ठीक है इस तरीके से आर्क कर दिया। जैसे जहां पे शार्पनेस दिखानी है, यहाँ पे जैसे हमने पानी लगाया था लेकिन हमने उस समय क्या किया, हमने काम तो कर लिया लेकिन अभी इसमें वो शार्पनेस नहीं आ रही जो एक, अगर हम इस पार्ट में फोकस करते हैं यहाँ पे आनी चाहिए, तो हम यहाँ पे हल्के से डार्क कलर लेके जब ऐसे लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल शार्प लाइन बन जाएगी। यहाँ पर ये बिल्कुल शार्प लाइन देखिए आ गई, ठीक है तो ये शार्पनेस देख रहे हैं आप। हेलो हेलो हेलो।